हम लोगों ने फिजिकल कैपिटल की बात की, ह्यूमन कैपिटल की बात की, दोनों की कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताओं के बारे में चर्चा की और प्रकारांतर से कहीं ना कहीं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना। डिटोरिएशन होता है, यदि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनके स्किल का क्षय होता है, और फिर हमने और भी आगे बढ़ा के मोरल वगैरह की भी बात की और फिर बहुत सारी बातें की। इन दिस पार्ट वी शैल बी फोकसिंग ओनली रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट मेक द ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम अदर कैपिटल्स। सो ह्यूमन कैपिटल हैज मेनी पिकुलरिटीज व्हिच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल, और मुख्य रूप से फिजिकल कैपिटल से ही हम डिफ्रेंशिएट एक तरह से कर रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर एज फॉलोज। एक तो बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि आज तक मानव इतिहास का कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हुआ है। नो टू यूनिट्स या दो मानव आज तक एक नहीं हुआ है। सो नो टू यूनिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर होमोजीनियस, मतलब थोड़ा बहुत यदि मिलता भी है तो बिल्कुल होमोजीनियस नहीं है टू कैपिटल। और जिसको हम मनोविज्ञान में कहा कि जिसका हम अध्ययन करते हैं उस मानव इतिहास का कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हुआ है। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल एंड द इंडिविजुअल, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल गेन करता है, दैट इज हु एम्प्लॉयज इट आर नॉट रिपेयरेबल, उनका रिपेयर संभव नहीं, डैमेज हो गया तो रिपेयर, उसको आप पूरा समझे। ह्यूमन कैपिटल द फैक्टर एंड द इंडिविजुअल द एजेंट हु एम्प्लॉयज इट आर नॉट रिपेयरेबल, मतलब ह्यूमन कैपिटल जो धारण करता है, एक फैक्टर है, कोई व्यक्ति जो एजेंट है, इंडिविजुअल है, और वो रिपेयरेबल नहीं है, वो जो धारण किया वो उसका हो गया। इट इज परफेक्टली ट्रू इन द केस ऑफ फिजिकल कैपिटल एज इट इज ऑलवेज सो, और ये फिजिकल कैपिटल के साथ भी है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स ए लॉन्गर गेस्टेशन, लॉन्गर गेस्टेशन, ये जो मानव के गर्भ धारण की प्रक्रिया, वो वर्ड इसका मीनिंग होता है, तो मतलब यह है कि लंबा समय लगता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। सो ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स ए लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को आप तुरंत मान लीजिए कि आपको एक कुर्सी बनानी है, आप जल्दी से तैयार कर दीजिए, लकड़ी आपके पास है, लेकिन लकड़ी के बनने में भी काफ़ी समय लगता है, उसकी तुलना करेंगे तो फिर, लेकिन आमतौर पे जो फिजिकल है उनकी प्रक्रिया, उनके निर्माण में उतना समय नहीं लगता है जितना इस मानवीय आस्पेक्ट के निर्माण में लगता है। सो इट इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर। द टर्म गेस्टेशन पीरियड रेफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन द स्टार्ट एंड कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर ए पर्सन। जैसे आप एजुकेशन की ही बात करें तो यदि हम कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन की ही बात करें तो कितना साल लग जाता है। पहले तो मान लीजिए कि एक से शुरू होता था तो 10 तक, और फिर 2 साल और मान लें तो प्लस 2 तक, लेकिन यदि 3 साल और कर दीजिए तो कितना, तो इट्स ए लंबी प्रक्रिया, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। सो द टर्म गेस्टेशन पीरियड रेफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन द स्टार्ट एंड द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग फॉर ए पर्सन। नेक्स्ट, विद द लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑन द जॉब एक्सपीरियंस ह्यूमन कैपिटल एड्स टू द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन स्टॉक। एक तो मतलब लैप्स ऑफ टाइम और जॉब एक्सपीरियंस के, मतलब ऐसे भी बहुत सारा प्रोवर्ब हमारे यहाँ परिस्थिति आदमी को सिखा देती है। अभी हमने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि कोविड के समय बहुत सारे टीचर्स ने जो कभी डिफरेंट इक्विपमेंट्स और अपरेटस का, खास के ये जो सोशल मीडिया का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उनको करना पड़ा। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन
एज इट रेस्ट्स ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटरी फैक्टर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जो ह्यूमन कैपिटल के डिप्रिसिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लिहाजा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल एंड स्पेशियल मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बिसाइड्स प्योरली कॉमर्शियल कंसिडरेशंस। शहर में रहना, दूसरी कंट्री, हालांकि अब तो बहुत आसान हो गया विदेश जाना भी, जॉब करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत सारा चेंजेस कर दिया है। तो ऑक्यूपेशनल एंड स्पेशियल मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है, दूसरा सोसाइटल फैक्टर भी है, बिसाइड्स प्योरली कॉमर्शियल कंसिडरेशन। सो द फिनेंशियल फैक्टर, द मनी मेकिंग फंक्शन इज नॉट द ओनली फंक्शन, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशियो एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट एज वेल। प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज द फंक्शन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द रिसोर्सफुलनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री वेयर ही सी इज इम्प्लॉयड। अभी हमने हाल के दिनों में अंडर डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज की चर्चा की, और फिर इंडिविजुअल टर्म में भी हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिविजुअल की, वो बहुत सारे फैक्टर पे काम करता है। एक तो इंडिविजुअल कितना रिसोर्सफुल है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कितना रिसोर्सफुल है, और फिर वो समाज, वो राष्ट्र। बहुत सारे स्कॉलरशिप दे के भी बहुत सारे स्टूडेंट को लोग बाहर भेजते हैं, तो देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल is the precondition of the optimal utilization of improved technological and physical inputs and their relationship is of a complementary nature। मतलब वो जैसे जितने भी टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं या कोई इक्विपमेंट्स हैं या फिजिकल इनपुट्स हैं, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट को, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए उन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बना है, तो डॉक्टर तो ऑपरेशन करेगा ना। अब मान लीजिए कि उसमें भी आप ऑपरेशन आँख का करने वाला डॉक्टर भी चाहिए, आपको हार्ट का भी करने वाला डॉक्टर चाहिए, और फिर आपको ऑर्थोपेडिक्स का भी डॉक्टर चाहिए। उसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का भी टीचर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का भी टीचर चाहिए, आपको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी टीचर चाहिए, और स्पेशलाइज्ड टीचर, स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें डेवलप करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन बीइंग इज नॉन ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफर का मतलब है कि मतलब हम में कर दिए तो आप दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमको यदि एमएड की डिग्री आपने दिलवाई है तो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे को नहीं मिल जाएगा। ये नहीं कि हमारे बॉडी में से उठा के आप ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा। इवन बॉडी के साथ हो रहा है ऐसा कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप इवन बहुत सारा ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग का जो पर जो एक्सपेंडिचर किए हैं एजुकेशन के टर्म में, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। इट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स आर इनसेपरेबल। मतलब जो आपने कंज्यूम किया है और जो इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने शिक्षा खरीदी है, आपने अपने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देके अमेरिका में भेजा, आपने कंज्यूम किया वहाँ की शिक्षा को, और इन्वेस्ट किया अपने लर्नर्स में, ये दो जो कंपोनेंट्स है वो आपस में मिले हुए हैं। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गो टुगेदर एंड इट चेंजेस द इकोनॉमिक एज वेल एज द नॉन इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। और सबसे बड़ी बात ये जो फीचर है ह्यूमन कैपिटल का, जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन साथ साथ चलते हैं उनके लिए, ये नॉन इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स जो इंडिविजुअल का है उसको भी प्रभावित करते हैं। जैसे एजुकेशन का क्या है, जैसे आप यदि आप एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का करें, या इवन शिक्षा की के लक्ष्य की बात यदि हम करें, एम्स की बात करें, क्या कैरेक्टर फॉर्मेशन,
डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, ये सब भी इम्पोर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल एट्रीब्यूट्स, रादर दीज आर नॉन इकोनॉमिकल एट्रीब्यूट्स. तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर की बात की ह्यूमन कैपिटल की, जिसमें यह देखा कि पिकुलियर तो है ही, दो यूनिट एक जैसा नहीं है, और एक बार यदि आप इंटरनलाइज किए तो उसको दूसरे में आप डाल नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. ये इनको बनने संवरने और ह्यूमन कैपिटल बनने में एजुकेशन के थ्रू टाइम लगता है, इट्स नॉट ए वन डे इफेक्ट. और फिर टाइम का जो लैप्स होता है उसका इम्पैक्ट होता है, यदि आप एक्सपीरियंस्ड कोई व्यक्ति हो गया है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रेनिंग यदि है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन कैपिटल का अपना एक फीचर्स है, और सबसे बड़ा फीचर यह है कि एक आदमी में सब पोटेंशियल एक जैसा नहीं, वो तब भी नहीं जब दोनों आइडेंटिकल ट्विन है, और यह मनोविज्ञान सिद्ध कर चुका है. और इसके अलावा बहुत सारा फैक्टर, परसीव करने का तरीका, इन्वायरमेंट वगैरह फैक्टर तो है ही, लेकिन यदि इन्वायरमेंट भी सेम रखे तो भी सेम नहीं बनाया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल.